नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोडीज के वो कंटेस्टेंट के बारे में जो सिर्फ फेम के लिए शो में आए थे और आखिर उन्हें फेम मिल भी गया। तो चलिए शुरू करते हैं। रोडीज एक ऐसा शो है जहां डेयरिंग और एडवेंचर से भरपूर कंटेस्टेंट अपने सपने पूरे करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ शो में फेम और लाइमलाइट के लिए आते हैं। उन्हें पैसे कमाने या शो जीतने की चिंता नहीं होती। आज हम उन रिच कंटेस्टेंट के बारे में बात करेंगे जो फेम के चक्कर में आए थे। सबसे पहले हम प्रियांक शर्मा के बारे में बात करेंगे। शो के लिए वो फेम के भूखे थे। उनके लुक्स और पर्सनैलिटी तो सबसे अलग थी। उनकी रोडीज जर्नी ने उन्हें बहुत फेम दिया। प्रियांक पहले से ही अपना एक्टिंग डेब्यू दे चुके थे और वो प्यार तूने क्या किया सीजन 9 में दे चुके थे। नेक्स्ट है शरण, जो MTV रोडीज एक्सट्रीम में आए थे। शरण ऑलरेडी एक बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से थे और शो में शरण सिर्फ फेम के लिए आए थे। उनके सीजन में विनर उनके आर्च राइवल कशिश ठाकुर पुंदिर बने। नेक्स्ट है हामिद बागसी। हामिद अपना सीजन जीते थे और उसके बाद उन्हें स्प्लिट्सविला में भी जाने का मौका मिला, जहां फिर से वो जीते और उनका रोडीज में आने का मकसद पूरा हो गया। उन्हें अपनी फेम मिल गई। पैसा तो हामिद के पास पहले से ही था। हामिद के सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हामिद एक बहुत वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है तरुण सोलंकी। तरुण ने शो में अपनी गैंग के खिलाफ जाकर प्रिंस को सपोर्ट किया, फिर प्रिंस ने तरुण को धोखा दे दिया और तरुण को शो से वो फेम नहीं मिल सकी जिसके लिए वो आए थे। तरुण अभी एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से वो शो में सिर्फ फेम के लिए ही आए थे। नेक्स्ट है सिमरन कौर पेरूवाला। सिमरन बहुत ही वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती है और वो शो में सिर्फ फेम के लिए आई थी। फॉरेन ट्रिप्स, डिजाइनर क्लोथ्स आर ऑल वेरी कॉमन फॉर हर, इसीलिए रोडीज का रगड शो वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई। अगले कंटेस्टेंट है गैरी लू, जो शो में लाइमलाइट के लिए आए हैं। गैरी लू ने MTV स्प्लिट्सविला का सीजन 13 में भी पार्टिसिपेट किया था। गैरी लू एक फेमस यूट्यूबर, फिटनेस ट्रेनर और स्पोर्ट्स न्यूट्रिनिस्ट है। गैरी एक बहुत ही अच्छे डांसर है और राघव, जो बहुत फेमस इंडियन डांसर और कोरियोग्राफर है, के क्लोज फ्रेंड है। क्लियरली गैरी लू रोडीज में पैसे के लिए नहीं, सिर्फ फेम के लिए आए हैं। अब बारी है राजवीर दे, जिन्होंने शो में फेम के चक्कर में आए हैं। इन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत पहले से कदम रख दिया था। सबसे पहले इन्होंने मिस्टर इंडिया का खिताब जीता। जीतने के बाद राजवीर ने एक्टिंग वर्ल्ड में अपना कदम रखा, जिसमें सबसे पहले इन्होंने कलर्स टीवी के उड़ान सपनों के में अमित का रोल किया। उसके बाद उन्होंने अपना एक्टिंग टैलेंट को दिखाने के लिए पॉपुलर टीवी शो में काम करना शुरू कर दिया, जिसमें से एक था कस्तूरी जिंदगी की। सिर्फ टीवी नहीं, राजवीर ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस वेब सीरीज पंच बीट, कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला और पंच बीट 2 में लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन रोडीज कर्मिया कांड में इनके एंटरटेनिंग स्किल्स और करिश्मा ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिससे इन्हें फेम और सक्सेस की नई ऊंचाइयां मिली। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। इफ यस, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और ऐसे ही और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।